हनुमान जैसे सेवक प्रभु राम के और कोई नहीं है। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, प्रभु रामचंद्र के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी। और फिर भी जब समुद्र लांग कर जा रहे थे लंका की ओर और मैनक पर्वत बीच में आकर कहने लगा हनुमान जी से, अरे हनुमान जी आप वायु पुत्र हैं और दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में लगे हैं, मैनक कहते हैं मेरी मित्रता है दोनों के साथ, वायु के साथ भी और सूर्यवंशी राजाओं के साथ भी। हनुमान जी आप मानो निकटतम परिवार संबंधी है हमारे, तो क्यों ना मेरे, मैनक रूपी पर्वत कह रहा है, क्यों ना मेरे कंदरों में मेरी गुफाओं में आप थोड़े विश्राम करें, लेट जाएं, हम कंद मूंद फल इत्यादि आपको पवाएंगे, आप जूस पा लीजिएगा, कुछ फल इत्यादि पा लीजिएगा, विश्राम कीजिए, हमारे कंदर बहुत सुशीतल हैं, आप अब सूर्य किरण के नीचे तप्त होकर इस समुद्र को लांग रहे हैं, थोड़ी विश्राम की स्थिति प्राप्त कर लीजिए। हनुमान जी मैनक को केवल स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैनक जी जब तक सेवा पूर्ण ना हो, यहां प्रभु रामचंद्र सीता देवी के विरह में रो रहे हैं और वहां सीता देवी प्रभु राम के विरह में रो रही है, दोनों मेरे स्वामी स्वामिनी रो रहे हैं और इसके बीच में मैं आपके कंदर में कैसे विश्राम कर सकता हूं, आप मुझे जाने दीजिए। स्पर्श करते हैं मैनक को और कहते हैं हम लौटेंगे, सीता देवी को पुनः प्रभु राम के चरणों में और हाथों में मिला देंगे, फिर खूब आपके कंदरों में हम विश्राम करेंगे। हनुमान जी तो इतने महान हैं, पूछ में आग लगा दी उन्होंने, उसी पूछ से लंका जला दी, और हनुमान जी महाराज तब ये सोच रहे हैं इस आग से शरीर तो जल रहा है पर प्रभु की सेवा के लिए मेरा चित्त जल रहा है और वो अग्नि और प्रज्वलित है, बाहर की तीक्ष्ण अग्नि से ज्यादा हृदय में जो भक्ति की अग्नि प्रज्वलित है, बोले वो अग्नि अधिक है। तो अब तक तो हे प्रभु बाहर से आपको आरती लगाएं, अब हमारे शरीर के जलते हुए आग से आपकी आरती लगाएंगे, आज सेवा करेंगे।